Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to my channel Beauty Stan Tips and Reviews. Friends, आज हम बात करेंगे बेसन की कि कैसे हम बेसन से अपनी रंगत को निखार सकते हैं. ज़माने कदीम की अगर बात की जाए, उस वक्त की रानियां महारानियां बेसन का इस्तेमाल अपनी रंगत को निखारने के लिए बहुत ज़्यादा किया करती थी. इसीलिए बेसन को खूबसूरती का अंसर भी कहा जाता है. तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो कि हम बेसन से अपनी रंगत को कैसे निखार सकते हैं. सबसे पहले यहाँ मेरे पास मौजूद है बेसन. एक टेबल स्पून भर के बेसन का ऐड करेंगे. चंद कतरे लेमन, यहाँ पे हाफ टेबल स्पून के करीब सैंडलवुड पाउडर, थोड़ी सी मकदार में हल्दी, वन टेबल स्पून के करीब इसमें दही ऐड करेंगे. अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे. लेमन ऐड करेंगे चंद कतरे. मिक्सचर थोड़ा ड्राई है तो इसमें वन टेबल स्पून दही मज़ीद ऐड करेंगे. अच्छे से मिक्स कर लेंगे. बेसन कोशिश करिए ताज़ा फ्रेश ही लीजिए. मज़ीद अच्छे रिजल्ट के लिए उसे बासी बेसन इस्तेमाल मत कीजिए. जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक आपकी स्किन ड्राई ना हो, इसको अपनी स्किन पे, अपने फेस पे अप्लाई करें. अच्छे से इसको स्किन पे अप्लाई करिए. अप्लाई करने के बाद 20 मिनट तक इसको लगा रहने दें. 20 मिनट के बाद इसको अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लें. वॉश करने के बाद आप देखेंगे आपकी स्किन बहुत अच्छी साफ सुथरी रंगत आपकी निखर सी जाएगी. आप इसको इस्तेमाल करने के बाद इसका रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में. और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.